बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूँ सुबान कुरैशी। पहावा से हमारे रिपोर्टर सज्जाद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से दुकानदारों पर लगाए गए नाजायज टैक्सेस और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में ताजरों की तरफ से आज की हड़ताल की अपील गैर मुअसर रही। तमाम मार्केटें और बाजार खुले रहे, कारोबारी जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहा। अल कुरैश खुशहाल ग्रुप वाहवा के सदर सज्जाद कुरैशी ने कहा, हड़ताल के गैर मुअसर नाम नहाद अहदेदारानों की अदम दिलचस्पी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा, हड़ताल का ना होना शहरियों में मौजू बहस बना रहा। उन्होंने कहा, हालिया हड़ताल खालिस्तन दुकानदारान के मुफाद में थी, क्योंकि हुक्मरानों की तरफ से दुकानदारों पर लगाए गए जालमाना टैक्सेस किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा, वाहवा में जल्द दुकानदारों के इलेक्शन करा के क़यादत नौ मुंतखब अहदेदारान के सुपुर्द करके दुकानदारों के हर हकूक का तहफ़ किया जाएगा।